हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में आज हम कर रहे हैं सिमिलेटर एंगल्स के बारे में। पीछे जो वीडियो में हमने सिमिलेटर एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सिमिलेटर एंगल्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम करते हैं हम। जैसे एक ट्रायंगल है, एबीसी इज ए ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स के मीडियन एक दूसरे को 2:3 में 2:1 में डिवाइड करते हैं। जैसे ए डी और बी ई हैं तो हमें डिवाइड करना है, ओ पकट करता है जैसे, तो ए ओ अपॉन ओ डी, प्रूव करना है कि ये 2:1 में है। इट मीन्स ए ओ ओ डी 2:1 प्रूव करना है हमें। क्वेश्चन ये है कि जो ट्रायंगल्स के मीडियन है, पहले तो बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होते हैं? ट्रायंगल के वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई वो लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती हैं। जैसे एबीसी ट्रायंगल है, इसमें ए वर्टेक्स है, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बीसी को बाइसेक्ट करेगी। इट मींस बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी बीसी को, तो डी यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बीसी का। ये दोनों इक्वल होंगी, यहाँ पे ए इक्वल है सी ई, तो ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ए बी ई मीडियन है, तो ए इक्वल होगा ई सी के। अपोजिट साइड को 2:1 में डिवाइड करेगी, इक्वल रेशो में। अब बात करते हैं हम कि इसको कैसे प्रूव करें। तो ओ ई के लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम, जैसे नाम दे दिया इसको डी पी। जो डी पी लाइन है, ध्यान से देखें, जो डी पी लाइन है वो पैरेलल है किसके, ओ ई के। ओ ई के बोल दें या बी ई के बोल दें, जो लाइन ओ ई के पैरेलल होगी वो बी ई के भी होगी क्योंकि सेम लाइन है ये दो। सो डी पी लाइन ओ ई के पैरेलल है, या फिर कह दें हम कि डी पी इज पैरेलल टू बी ई। तो अब यहां पे आएंगे हम इन ट्रायंगल बी सी ई में, इन ट्रायंगल बी सी ई। हमने पिछली वीडियो में जो किया था क्वेश्चन, एक बीपीटी थ्योरम की थी आपने। बीपीटी थ्योरम करें या फिर हम बात करें मिड पॉइंट थ्योरम की, उसमें क्या था कि कोई ट्रायंगल है, मिड पॉइंट के बारे में बात करें हम, अगर डी और ई दो साइड के मिड पॉइंट हैं, उनको ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड वन लाइन के पैरेलल होंगे और थर्ड वन का हाफ होगी। इट मींस डी ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो डी ई है वो बी सी के पैरेलल भी होगा और डी ई बी सी का हाफ भी होगा। वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बीपीटी क्या था कि एक ट्रायंगल की एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मींस डी मिड पॉइंट है तो ई बी क्या होगा, उसका अदर साइड का मिड पॉइंट होगा। तो इन ट्रायंगल बी सी ई डी पी लाइन पैरेलल है बी ई के, आपने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन किया आपने, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। इट मीन्स पी सी अपॉन पी ई, पी सी अपॉन पी ई इक्वल होगी सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी। अब देखो सी डी और बी डी इक्वल है क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए डी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट हो गया, तो सी डी बी डी के इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा वन। पी सी डिवाइड में पी ई इजक्वल टू वन, तो पी सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई, पी सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई, पी सी पी ई के इक्वल है। और बी ई मीडियन है तो यहाँ पे क्या ए ई सी ई के इक्वल होगा, होगा क्योंकि मीडियन है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो इसको मान लो आप, ये एक्स है तो ये भी एक्स, और सी ई कितना हो जाएगा 2x, ये साइड कंप्लीट 2x होगी तो ए ई भी कितना हो जाएगा 2x, ये दोनों 2x के इक्वल हो गए। अब हम जाते हैं इन ट्रायंगल
ए डी पी इन ट्रायंगल ए डी पी। ओ ई लाइन है वो पैरेलल है डी पी के, तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए ओ डिवाइड में ओ डी इक्वल है ए ई डिवाइड में ई पी, लिख देंगे बाई बी पी टी। बी पी टी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ई। ए ई कितना आपका 2x डिवाइड में ई पी। ई पी कितना आपका x, x से x कैंसिल, तो ए ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा आपका 2/1। इट मीन्स ए ओ रेशियो ओ डी इज इक्वल टू कितना हो गया 2:1। यही आपको प्रूव करना था कि ए ओ रेशियो ओ डी कितना होना चाहिए आपका 2:1, कि किसी भी ट्रायंगल्स के जो मीडियन है वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। यही आपको प्रूव करना था। कुछ और करते हैं थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड ही थ्योरम कर रहे हैं आज हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इस इंटीरियर एंगल बाईसेक्टर थ्योरम कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल बाईसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि जब हम किसी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल को बाईसेक्ट करते हैं, ये जो ए डी लाइन है ये क्या है, एंगल ए को बाईसेक्ट करेगी। इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बाईसेक्ट का मतलब, एंगल बाईसेक्ट का मतलब तो होता है कि एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। तो इसमें क्या होता है कि इन दो साइड्स का रेशियो है वो अपोजिट साइड्स के जो पार्ट हुए हैं उनका रेशियो किसके इक्वल होगा, कैसे होगा, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो बी ए साइड्स को आप प्रोड्यूस करें, आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, और डी ए लाइन के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी ए को प्रोड्यूस करने पर ई पर कट करेगी। इट मीन्स ये लाइन क्या होगी, सी ई लाइन पैरेलल है ए डी के, या डी ए कुछ भी बोल दें हम, सी ई लाइन है डी ए लाइन के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, कि एंगल ए ई सी इजक्वल टू बी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स, बिकॉज दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल टू ईच अदर। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगी। इसी प्रकार ये एंगल, एंगल ए सी ई इजक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन है, जेड बन रहे हैं पैरेलल लाइन के अंदर की ओर, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड, ये एक्स है तो ये भी एक्स, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। अब देखो ये एंगल भी एक्स है, ये भी एक्स, इट मीन्स ये दोनों एंगल सेम है, तो ए सी ई क्या हो जाएगी, आइसोसेल्ट एंगल, जिस
ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो आइसोसेल ट्रायंगल होती है, और दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, ए साइड इक्वल हो जाएगी ए सी के, इसको इक्वेशन वन बोल दो। अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी ये लाइन इसके पैरेलल है, डी ए पैरेलल टू सी हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और बाई बीपीटी, बीपीटी क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ए बी अपॉन ए ई। देखो हमने डिस्कस किया था बीपीटी में कि जो लाइन एक साइड के पैरेलल है अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ए बी अपॉन ए ई मतलब अपर पार्ट डिवाइड में लोअर पार्ट, तो इसका अपर पार्ट बी डी और ये लोअर पार्ट है तो इसका लोअर पार्ट डी सी। ए बी डिवाइड में ए ई, ए ई किस गैप आप क्या लिख सकते हो ए सी, क्योंकि आपने इक्वेशन फर्स्ट में दिखाया है कि ए ई ए सी के इक्वल है, तो ए ई किस गैप आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइड में डी सी, ये प्रूव हो गया आपका ए बी डिवाइड में ए सी इक्वल है बी डी डिवाइड में डी सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी ट्रायंगल में किसी एंगल का जो बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, वो क्या करेगा अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो अदर टू साइड्स का रेशियो है, इट मीन्स ए बी डिवाइड में ए सी इक्वल होगा बी डी डिवाइड में डी सी। देखो ए बी ऊपर है वो डिवाइड में ए सी है, तो ए बी के साथ वाला पार्ट ऊपर होगा, ए सी के साथ वाला पार्ट नीचे। अगर हम इसको लिखें ए सी अपॉन ए बी तो क्या लिखेंगे सी डी अपॉन बी डी, ये ध्यान में रखना है। तो ये है आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट वन कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सभी सिमिलर ट्रायंगल से ही रिलेटेड हैं, इनको आप अच्छे से करें। अब ये ए बी सी ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कर रहे हैं। एक्सटीरियर होता है बार वाला एंगल, जैसे ये बार वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स बाइस ए डी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, तो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स। उसमें क्या किया था इंटीरियर एंगल में, जैसे ए डी था, ए डी जो लाइन थी एंगल ए का इंटीरियर बाइसेक्टर था, तो ए डी लाइन के पैरेलल सी से लाइन ड्रॉ की थी ट्रायंगल के बाहर से, लेकिन ये ए डी है एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, इट मींस ट्रायंगल के बाहर से साइड है, तो हम सी से ट्रायंगल के अंदर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे डी ए के। उसमें क्या था सी से डी ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे ट्रायंगल के बाहर, लेकिन ये ट्रायंगल के बाहर है तो ट्रायंगल के अंदर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोल देंगे सी ई, इट मीन्स सी ई जो लाइन है वो डी ए लाइन के पैरेलल है, सी ई लाइन है वो डी ए लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, कॉरस्पोंडिंग एंगल दोनों पैरेलल लाइन के सेम साइड और ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड कॉरस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। अब देखो इन ट्रायंगल ए ई सी दो एंगल इक्वल हो गए एक्स एक्स, दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल है, और दो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होंगी, इसकी अपोजिट साइड ए ई और इस एंगल की अपोजिट साइड ए सी, इट मीन्स ए ई इक्वल होगा ए सी के। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या है सी लाइन डी ए के पैरेलल है,
आपने कंस्ट्रक्शन किया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाई बीपीटी। बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या कहती है ये कि किसी ट्रायंगल्स में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अब देखो यहां पे हम ए बी डिवाइड में ए ई लेंगे, ए बी डिवाइड में ए ई लेंगे। क्यों लेंगे? उसका रीजन देखो कि इस साइड की ए बी ले लिया आपने, इस ट्रायंगल ए बी सी की पहले तो ए बी ले ली, एक साइड होगी। अब जो ये ए ई ले या बी ई ले, तो ये हमने ए ई लिया है। क्यों लिया है ए ई? क्योंकि ए ई जो साइड है ना, वो इस ट्रायंगल की ए सी साइड के इक्वल है, हमने प्रूव भी किया है। तो जो ए ई है इसकी जगह बाद में क्या लिख देंगे हम? ए सी साइड। तो ए ई के इक्वल है ए सी, तो इसलिए हमें ए ई तो पार्ट लेना है, और दूसरी साइड लेंगे हम ए बी जो कि इस ट्रायंगल की साइड है। तो ए बी अपॉन ए ई किसके इक्वल होगा? देखो ए बी क्या है, ये कंप्लीट साइड, तो दूसरी साइड कंप्लीट साइड क्या है? बी डी, क्योंकि सी ई है वो ए बी और बी डी लाइन को डिवाइड कर रही है। यहां पे कंप्लीट साइड ए बी है, तो यहां पे कंप्लीट साइड बी डी डिवाइड में ए ई, इस साइड वाला पार्ट। तो इस नीचे की ओर देखें तो इस साइड वाला कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन होगा इसका? सी डी। मतलब इसको अपर बोलेंगे तो इसको अपर बोल दो, तो ये हो जाएगा ए बी अपोन ए ई, और ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए सी इजक्वल टू बी डी डिवाइड में सी डी। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा कि टू साइड्स का जो रेशियो है वो क्या करेगा? अपोजिट साइड का एक्सटीरियर बी डी डिवाइड में सी डी, ये कंप्लीट साइड और डिवाइड में जो पार्ट आगे प्रोड्यूस होने के बाद इंक्रीज हुआ था सी डी वो। तो ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पीछे वाली थी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इनको अच्छे से करना है। जैसे कि एबीसी ट्रायंगल है, यहां पे डी मिड पॉइंट दे दिया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यहां पे ई मिड पॉइंट दे दिया एडी का, और यहां पे एफ मिड पॉइंट दे दिया एई का। तो इसने कहा कि किसने कि ए बी एफ ट्रायंगल का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कंप्लीट ए बी सी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ये हमने पीछे एक थ्योरम की थी कि ट्रायंगल्स कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसी बेस पे यहाँ पे देखो ए ई बी एक ट्रायंगल है, तो एफ ए ई का मिड पॉइंट है, तो बी एफ क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो मीडियन है तो इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसका एरिया 2 है, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 2। रीजन वही कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइड इट्स इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब बात करते हैं हम बी ए ई ट्रायंगल की, तो बी ए ई ट्रायंगल का एरिया टोटल कितना हो गया? 2 प्लस 2 4। अब आ जाओ ट्रायंगल बी ए डी में, तो बी ए डी ट्रायंगल में ए डी साइड का मिड पॉइंट है ई, तो इसका मतलब बी ई इस ट्रायंगल का क्या हो गया? मीडियन। तो मीडियन है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस ट्रायंगल का एरिया 4 है तो इसका भी 4, तो इस टोटल ट्रायंगल का एरिया ए डी बी का कितना हो गया? 8। कितना एरिया हो गया? 8। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में जाएं तो ए डी क्या है? मीडियन है, तो मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस ट्रायंगल का एरिया है वो इसका ही, तो इसका 8 है तो इसका भी 8, इट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा ए बी सी ट्रायंगल का एरिया? 8 टू जा 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
या फिर कंप्लीट का एरिया देके इसका एरिया निकालवा सकता था। तो प्रॉपर्टी ये यूज करनी है कि एक ट्रायंगल का मीडियन है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम करते हैं कि एक सिम दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हैं पी क्यू आर ट्रायंगल के तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, कोरस्पोंडिंग मीडियन का रेशियो, कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो, कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो इक्वल होता ही है, हमें प्रूव करना है। जैसे ए डी क्या है, मीडियन है, पी एम क्या है, मीडियन, ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ए डी और पी एम मीडियन है तो हमें प्रूव करना है कि ए बी डिवाइड में पी क्यू इक्वल है ए डी डिवाइड में पी एम, मतलब जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो ही कोरस्पोंडिंग मीडियन का रेशियो होगा। तो जैसे कि ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन है ये। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ए बी डिवाइड में पी क्यू, बी सी डिवाइड में क्यू आर, ए सी डिवाइड में पी आर। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब हमें मालूम है कि ए डी मीडियन है तो डी बी सी का क्या है, मिड पॉइंट, तो बी सी को टू से डिवाइड, अपर पार्ट को भी टू से डिवाइड करते हैं, लोअर पार्ट को भी टू से, तो इस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ बी डी और क्यू आर का हाफ क्यू एम। अब आ जाओ इसको इक्वेशन वन बोल दो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, आपने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया है ये, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम, इट मीन्स टू साइड्स का रेशियो इक्वल है। एंड नेक्स्ट वन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल है क्यू के, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल इन टू सिमिलर ट्रायंगल। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब एंगल बी है वो क्यू के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो दो साइड, इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो बाई एस ए एस सिमिलरिटीज ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू एम, मतलब ए बी डी और पी क्यू एम दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम, ए बी पी क्यू की कोरस्पोंडिंग साइड है, एंगल बी क्यू के इक्वल है तो बी की अपोजिट साइड ए डी है, तो एंगल क्यू की अपोजिट साइड पी एम, तो ए डी की कोरस्पोंडिंग साइड हो जाएगी पी एम। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा इनके कोरस्पोंडिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल, तो ए डी अपॉन पी एम जो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो भी उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखो अब की बारी ए डी और पी एम क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स राइट एंगल हाइट है इनकी,
इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर, वेयर एडी एंड पीएम आर अल्टीट्यूड, तो जाएंगे हम इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम, इसमें एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, वही रीजन है कोरस्पोंडिंग एंगल, एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, की दो ट्रायंगल सिमिलर हैं एबीसी और पीक्यूआर, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल हैं तो इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन एंगल एडीबी इक्वल एंगल पीएमआर, क्यों, इट्स 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री, पीएम क्यू है भाई ये, एडीबी और पीएमक्यू दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री, तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो जिन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटीज, बोथ ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूएम, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, एबी अपॉन पीक्यू इक्वल होगा एडी अपॉन पीएम, तो यहां पे ये प्रूव हो गया है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वही रेशियो इनके कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड का है, और पिछले क्वेश्चन में किया था हमने जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वही इनकी कोरस्पोंडिंग मीडियन का, तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स कोरस्पोंडिंग मीडियन कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल होगा। और नेक्स्ट वन है इसमें एंगल वाई सेक्टर, कि अब की बारी जो ये है एडी और पीएम, ये एंगल ए और पी के बाईसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं एबीसी और पीक्यूआर, ये दे रखा है कि एबीसी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो ए और पी दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये मान लिया आपने 2x 2x के इक्वल है, अदरवाइज इतना छोड़ दो कि ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हैं तो इनके बाईसेक्टर भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे, मतलब ए एंगल पी के इक्वल है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल ए का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ए का हाफ हो जाएगा बी ए डी, और एंगल पी का हाफ हो जाएगा क्यू क्यू पी एम, लिख देंगे हाफ पार्ट ऑफ टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसको इक्वेशन वन कह देंगे। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कोरस्पोंडिंग एंगल टू टू सिमिलर ट्रायंगल, की दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो एंगल बी है क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। नेक्स्ट वन बी ए डी एंगल इक्वल है क्यू पी एम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने दिखाया कि बी ए डी है वो क्यू पी एम के इक्वल है, क्यों है, कि दो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं सिमिलर ट्रायंगल के तो उनके हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल, तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं तो भाई
एंगल एंगल सिमिलरिटीज, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर होगी ट्रायंगल पीक्यूएम, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम। तो ये प्रूव हो गया कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स की टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वही उनकी कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा। तो इस प्रकार हमने आज थ्योरम किए हैं, उनमें क्या 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 प्रॉपर्टीज है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो ही उनकी कोरस्पोंडिंग मीडियन का रेशियो होगा, वो ही उनकी कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो होगा, वो ही उनकी कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा। ये प्रॉपर्टीज हम आगे यूज करेंगे और अगले वीडियो में हम करेंगे कि अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, उनके एरियाज का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।